करेंगे। सब रेडी है? Yes, ठीक है। कौन सी क्रियाएं बताइए मैम ने, कौन सी क्रियाएं करेंगे आज हम? चालन क्रियाएं। और एक बात और बताइए मैम ने कि स्टार्टिंग में हमें कोई भी हार्ड वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है, पहले हमें अपनी बॉडी को वार्म अप करना है। वार्म अप का मतलब थोड़ा सा किसी कार्य को करने के लिए तैयार करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम मैम कौन सी क्रियाएं करवा रही हैं? चालन क्रियाएं। करने के लिए रेडी हैं सभी? वेरी गुड। पोजीशन मैम की देखो किस तरह से कर रही है, प्रॉपर तरीके से करना है। अगर आप गलत तरीके से करते हैं तो उसका नकारात्मक इफेक्ट आता है। कुछ बच्चे बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड। कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, शाबाश, करते रहिए। जो रोज करते हैं वो बड़ी अच्छी बात है, शाबाश, अच्छी बात है। सामने देखो, अब सामने देखो। नी पता है ना सबको, अपने घुटने बिल्कुल। सोचिए आपके ऊपर कोई फेवरेट फ्रूट है, उसको आपको तोड़ के लाना है। खींचो अपनी बॉडी को, अपनी पैर की उंगलियों पे खड़े होना है आप लोगों को। क्लोज योर आईज, जैसे कोई बहुत ही अच्छी सुगंध आपके पास आ रही है उसको आपको लेना है अंदर अपनी सांसों में, रियलाइज करना है कि कितनी अच्छी खुशबू है। एक बार
आपको पता है व्यायाम क्यों करवाया जाता है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ही पुअर है। पुअर का मतलब समझ में आता है? खराब। तो जो हमारे अंदर फेफड़े हैं, जो हमारा एक सुंदर सा प्यारा सा ये चेहरा है, हमारा जो स्वास्थ्य है उसको ठीक रखने के लिए हम लोगों को प्रतिदिन क्या करना चाहिए? योगा करना चाहिए। अगर हम अपने शरीर को बिल्कुल ठीक रखना चाहते हैं, आप जानते हैं ना, जब कोई मशीन खराब हो जाती है तो उसको हम मैकेनिक के पास लेके जाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार अगर हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अगर हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो हम ठीक नहीं होंगे। लेकिन एक साधारण और सरल उपाय है अपनी बॉडी को ठीक रखने का, और वो सबसे अच्छा उपाय है व्यायाम। तो सभी बच्चे प्रतिदिन इस चीज को करेंगे और अपने डेली रूटीन में जरूर लेकर के आए, अगर अपने स्वास्थ्य को आप लोग ठीक रखना चाहते हैं तो। वेरी गुड, शाबाश।